हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2014 में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे आपके एरर पार्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, इस तरह के स्ट्रक्चर अगर जहां पर आप पाए कि इफ से स्टार्ट होते हैं तो उनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें कि उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो कर रखा है। जैसे आप इसमें देखेंगे वुड हैव रियलाइज्ड, ओके। और इसके जो दूसरे पार्ट में है आप वहां पर देख रहे हैं क्या गिवन आपको, वुड हैव डन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका इफ से लेके यहां तक जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका इफ क्लोज है और यहां से आई वुड हैव डन समथिंग, ये वाला पूरा का पूरा आपका मेन क्लोज है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इफ क्लोज से पहले इस टॉपिक के ऊपर जो है इफ क्लोज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर देख लें आप वीडियो। आपने ये देखा था वहां पे कि अगर यहाँ पे इफ क्लोज दे रखा है और यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज दे रखा है, जिसको मेन क्लोज बोल देते हैं, अगर इस तरीके से दे रखा है तो आप देखोगे यहां पर जब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है तो यहां पे स्ट्रक्चर बनता है आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख रहे हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर है, लेकिन इफ क्लोज के अंदर आप वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप यहां पर इस्तेमाल कीजिए हैड रियलाइज्ड का। सो स्टूडेंट्स, मैं इस पे यहां पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि इससे रिलेटेड मैं बहुत बार आपको बातें बता चुका हूं। तो अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप पिछली वीडियोस को देखें और उनको ध्यान से देखें कि वहां पर मैंने पूरा आपको बताया कि इफ में क्या स्ट्रक्चर हो सकता है और प्रिंसिपल क्लोज यानी मेन क्लोज में क्या स्ट्रक्चर आपका फॉलो किया जा सकता है। बस ध्यान ये रखें कि इस पैटर्न पे कभी भी क्वेश्चन आए तो वो आपके छूटने नहीं चाहिए। आप देखोगे हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, उसमें मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। तो आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इट हैज बीन एनहेंस्ड इन पोजिशन एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटेग्रिटी। तो देखिए, यहां पर जो प्रॉब्लम है आपकी वो ये है कि ये जो वर्ब लिया है आपका एनहेंस्ड, इस पर फोकस कीजिए। एक इसी से रिलेटेड है आपका एलिवेटेड, जो यहां पर होना चाहिए, यानी यहां पर इसका इस्तेमाल गलत है, इसका इस्तेमाल सही है। एनहेंस का इस्तेमाल हम क्या करते हैं कि किसी चीज में इंक्रीज दिखाते हैं बाय एडिंग समथिंग, यानी उसके अंदर कोई चीज हमने ऐड किया और उसके कैरेक्टर को, उसके नेचर को हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो दैट इज एनहेंस। बट एलिवेटेड, दैट इज किसी के स्टेटस को इंक्रीज करना, ओके, स्टेटस, पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर जो एग्जैक्ट वर्ड आपका यहां पर होना चाहिए, जो मोस्ट सुटेबल है, वो है आपका एलिवेटेड, ओके। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, और लास्ट पार्ट है आपका नो एरर। ये भी एसएससी सीजीएल 2014 के अंदर पूछा गया था। तो देखिए, यहां पर जो गिवन है आपका इट आपका हो गया सब्जेक्ट, ओके। ये जो इज है ये है लिंकिंग वर्ब, क्या होता है कि इज हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन आगे अगर मेन वर्ब नहीं है, देखिए जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है अगर उसके आगे मेन वर्ब दे रखा है फिर तो है वो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आपका कोई नाउन गिवन है, प्रोनाउन गिवन है या फिर कोई एडजेक्टिव गिवन है, तो आप समझ लेना कि वो जो है वो लिंकिंग वर्ब रहा होगा। लिंकिंग वर्ब लिंक करने का काम करता है, वो हेल्पिंग हेल्प का काम नहीं करता, मेन वर्ब के लिए हेल्प करने का काम नहीं करता, ओके। सो यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, इसी वजह से यहां पे इट इज आई हुआ मीन ही हुआ, क्योंकि ये कंप्लीट किसको कर रहा है, इट को, और इट सब्जेक्ट है तो इसलिए आई भी यहां पे सब्जेक्टिव आया। हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया।
अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा उसके पीछे वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही जो है आपका वर्ब लेता है। तो यहां पे आई के अकॉर्डिंग इज नहीं होगा, यहां पर आना चाहिए था एम। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे इस पे और फोकस करते हैं, मान लीजिए कहीं पे लिखा है स्टूडेंट, ओके, और एक जगह पे लिखा है टीचर्स। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं इससे। अगर स्टूडेंट के बाद लगा कोई रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, और यहां पर भी लिखा है हु, तो अगर आपको वर्ब का चयन करना है तो आप ध्यान रखिएगा कि हु के अकॉर्डिंग क्या सेट हो रहा है वो मत लीजिए, इसके पीछे वाले के अकॉर्डिंग लीजिए। आप देख रहे हो यहां पे ये सही है ये गलत, तो उसी हिसाब से यहां पर भी अगर आप देखोगे तो हु के पीछे वाले पार्ट को देखो, टीचर्स प्लूरल है ना, तो यहां पे आर सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पे किया कि आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था एम। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी एसएससी सीजल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन चाहे हु आ जाए, चाहे विच आ जाए आपका, चाहे कहीं पे दैट यूज कर रहा हो, उन सभी के केस में ध्यान रखिएगा कि जो उससे पहले नाउन या प्रोनाउन दे दिए गए उन्हीं के अकॉर्डिंग आप वर्ब का चयन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स व्हिच न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम नो एरर। ये भी एसएससी सीजल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ध्यान रखिए कि इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाए ना आपके, ओनली, ठीक है, फ्यू, ठीक है, जैसे मान लो ओनली हो गया, द फ्यू हो गया, द लिटिल हो गया, ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री आ जाए आपकी, ऐसे केसेस में आप जहां पर भी हु लिख रखा हो या विच लिख रखा हो उन दोनों की जगह पे आप हमेशा दैट का इस्तेमाल करें, ठीक है। इनके केसेस में ये नहीं आएगा, दैट आएगा। तो यहां पर आप देखो ओनली का इस्तेमाल किया गया और यहां पर क्या लगा, विच। तो यहां पे विच मत इस्तेमाल कीजिए, यहां पर इस्तेमाल कीजिए दैट। तो यहां पर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, देयर इज ओनली वन क्योर टू द इविल्स दैट न्यूली अक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस एंड दैट क्योर इज फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। ये क्वेश्चन देखिए, इसको अच्छे से देखते हैं। यहां पर देखिए आप, ही सब्जेक्ट हो गया, फ्लू वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। अब इस प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया वो ये आ गया, लास्ट विंटर आपका एडवर्ब है। एडवर्ब कौन सा एडवर्ब है, ये टाइम, क्योंकि ये दे रहा है आपको रिप्लाई व्हेन का। ओके, तो व्हेन का रिप्लाई जो होता है वो टाइम होता है। अब बात है एक्सटेंसिवली, ये भी एडवर्ब है बट ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ध्यान रखिएगा एडवर्ब ऑफ मैनर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो इसकी जो पोजीशन होती है वो बताता हूं। एडवर्ब ऑफ मैनर को, ठीक है, आप सेंटेंस के बाद रखें, ओके, बट बिफोर प्रीपोजिशन, लेकिन प्रीपोजिशन से पहले, बट बिफोर प्रीपोजिशन, ठीक है। अगर मान लो कि एडवर्ब ऑफ मैनर दे रखा है आपका, ओके, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका क्लोज है, तो आप इसको मेन वर्ब से पहले भी रख सकते हैं। मैं आपको इसकी पोजीशन बता रहा हूं, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्लोज, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर को आप सेंटेंस के लास्ट में भी रख सकते हैं। मान लो कि हमने सेंटेंस लिखा प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, अगर जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है वो क्या हो, डेफिनाइट हो। अगर वो डेफिनाइट हो, जैसे आपको पता है आई हैव गोन देयर ट्वाइस, तो ट्वाइस जो एडवर्ब ऑफ मैनर है लेकिन वो डेफिनाइट, इसलिए सेंटेंस के लास्ट में लिखा। तो यहां पर अगर आप देखोगे प्रीपोजिशन आ गया, तो इस प्रीपोजिशन के बाद नहीं रखना चाहिए था इसको, इसकी पोजिशन कहां होनी चाहिए थी, इससे पहले। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि एडवर्ब को ठीक तरीके से पहचान कर उनकी पोजिशन को अच्छे से करें। तो इसके लिए आप मेरी जो वीडियोस हैं एडवर्ब के ऊपर वो देख सकते हैं, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन वहां से सोल्व हो जाएंगे आपके। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। आप प्लीज मेरी वीडियोस को जगह जगह पे शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उनको बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।